जय हिंद। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एनसीसी लेना चाहते हैं पर उनके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी नहीं होती, और ऐसा भी देखा गया है कि कई कैडेट्स हैं जो जूनियर विंग की एनसीसी कंप्लीट कर चुके हैं और वो सीनियर विंग में जाना चाहते हैं पर उनके स्कूल में सीनियर विंग की एनसीसी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि एनसीसी में ओपन वैकेंसी के अंतर्गत एनरोलमेंट करने का प्रोविजन है, तो आप ओपन वैकेंसी के अंतर्गत एनसीसी ले सकते हैं, तब भी ले सकते हैं जब आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, ये है एतिका वर्मा जो एक्स कैडेट हैं, जूनियर विंग की एनसीसी इन्होंने कंप्लीट की है पिछले साल ही। तो आपका क्या ग्रेड रहा जेडब्ल्यू की एनसीसी में? मैम ए ग्रेड रहा। कंग्रेचुलेशंस, दो साल की इन्होंने एनसीसी कंप्लीट की जूनियर विंग की, अभी ये 11th क्लास में है, राइट? यस मैम। और ये सीनियर विंग की एनसीसी लेना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी कैडेट रह चुकी हैं। इवन हर किसी मेरे ख्याल से बेस्ट कैडेट अवार्ड भी आपको मिला है। हाँ, बेस्ट कैडेट अवार्ड भी इन्होंने जीता था और हर एक्टिविटी में आगे रहती थी। ये मेरे पास आई एप्लीकेशन लेकर कि मैम मुझे सीनियर विंग की एनसीसी लेनी है, पर इनका जो स्कूल है सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहारनपुर में, वहाँ पर सीनियर की एनसीसी नहीं है, बट शी वॉन्टेड टू टेक इट। तो हमने इनकी मदद की, हम इनको एनसीसी देने जा रहे हैं ओपन वैकेंसी के अंतर्गत। तो कैसे किया इन्होंने, कैसे ये पॉसिबल हुआ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो एतिका, आपके स्कूल में सीनियर एनसीसी नहीं है? नो मैम। पर आप एनसीसी ले रही हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो हमारे ही यूनिट के अंदर आता है, और उसका क्या नाम है? सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है यहाँ, वो एक प्राइवेट स्कूल है। इनका जो करंट स्कूल है वो भी प्राइवेट स्कूल है, तो उस प्राइवेट स्कूल में इनको ओपन वैकेंसी मिलेगी। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्म भरा है, एक तो एनरोलमेंट फॉर्म होता है ओपन वैकेंसी के अंतर्गत जिसको अपेंडिक्स बी कहते हैं, ये फॉर्म आपको एनसीसी यूनिट में मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक और फॉर्म भरा है जिसको अपेंडिक्स ए बोलते हैं, जिसमें लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑफरिंग ओपन वैकेंसी, मतलब वो स्कूल जहाँ पर इन्हें ओपन वैकेंसी मिल रही है वहाँ की प्रिंसिपल इन्हें सर्टिफिकेट देगी कि वो विलिंग है इन्हें ओपन वैकेंसी देने के लिए। तो कैसे आपने इसको किया, मतलब हमने इनको सिर्फ यही बोला कि आप खुद जाइए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट देखिए जहाँ की प्रिंसिपल और ANO आपको ओपन वैकेंसी देने के लिए राजी हो। तो हाउ डिड यू मैनेज इट? मैम फर्स्ट आई सर्च फॉर द स्कूल दैट हैज ओपन वैकेंसी, देन आई गो टू देम एंड आस्क फॉर द दैट इफ शी विल एबल टू गिव मी और नॉट, देन आई गिव माय बेनिफिट्स ऑफ दैट आई अचीवमेंट्स दैट आई हैव गिवन, देन शी आस्क्ड दैट। सो यू वेंट टू दिस सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, यू न्यू दैट दे हैड एनसीसी अंडर आवर यूनिट, देन यू रिक्वेस्टेड द ANO मैडम दैट यू आर वेरी कीन टू टेक एनसीसी एंड यू आर वेरी डिजर्विंग आल्सो, यू टोल्ड हर अबाउट ऑल योर अचीवमेंट्स एंड शी वॉज विलिंग टू हेल्प यू, राइट? बहुत होनहार लड़की है, इन्होंने उनको कन्विंस किया। देखो कन्विंस करना भी एक मुश्किल काम होता है, बिकॉज सरस्वती विद्या मंदिर की जो ANO मैडम है उन्हें अपनी वैकेंसीज में से एक कम करके इन्हें देनी थी, तो इन्होंने वो किया, इसलिए किया क्योंकि शी न्यू कि शी इज़ अ डिजर्विंग गर्ल एंड शी शुड गिव अ चांस। तो ये एक चैलेंज होता है कन्विंस करना, पर यू वर एबल टू यू नो कन्विंस हर, विच इज़ गुड। इसमें मैं आपको एक सुझाव दूंगी, जब आप ओपन वैकेंसी ढूंढने जाते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट में आपने जाना चाहिए जहाँ पर प्राइवेट एनसीसी हो, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट? यस मैम। हाँ, बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एनसीसी का जो खर्चा होता है वो कैडेट खुद उठाते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिलाने का खर्चा हुआ, या कैंप में जाते हैं तो कैंप में जो रहने का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, वो कैडेट्स ने खुद उठाना होता है। तो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्यों अपनी एक ऐसी फ्री वाली वैकेंसी किसी और को दे, मुश्किल होता है। yes, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पूरी वैकेंसी भर नहीं पाती है, ऐसा भी हो जाता है ना, क्योंकि खर्चा खुद उठाना है, हो सकता है कि वहाँ वैकेंसी फिलअप ना हो पाए, एवरीवन इज़ नॉट विलिंग टू यू नो पे फॉर एनसीसी। तो यू शुड गो टू एन इंस्टीट्यूट वेयर देयर इज प्राइवेट एनसीसी, वेयर इट इज़ अ पेड सीट, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चांस होते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, आपको एनसीसी मिलने जा रही है, आपका सपना था कि मैं यू नो सी सर्टिफिकेट हासिल करूं, जो कि सीनियर विंग कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं, है ना,
और आगे चल के आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ. ऑल द बेस्ट टू यू एंड कंग्रेचुलेशन. थैंक यू.